नमस्कार, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप की चुनाव यात्रा। और इस वक्त हम हैं अंबिकापुर में और हमारे साथ मौजूद हैं अंबिकापुर के विधायक और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव जी। सर, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। सौरभ जी नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि क्या मैं छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ इस वक्त? आज हम लोग एक संयुक्त लीडरशिप में चुनाव लड़ रहे हैं और स्पष्ट आपस में बात हुई राहुल जी के साथ। हम 20-22-24 सीनियर लीडर्स कांग्रेस के बैठे थे और सामूहिक हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि कहीं कोई प्रोजेक्शन नहीं होना, मिल के लड़ना, एक टीम के रूप में लड़ना। और टीम के रूप में हमको कांग्रेस को जिताना है, हम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं। कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की नीतियाँ, कांग्रेस की प्राथमिकताएं, हम छत्तीसगढ़ के लिए क्या करना चाहते हैं, इस आधार पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। रही आगे की बात, तो मिलके विधायक दल के बीच में और पार्टी सीनियर लीडर्स हाईकमांड का जो निर्णय होता है उनको फिर आगे की जिम्मेदारी मिलती है। यहाँ कोई हम लोग किसी पद की जिम्मेदारी के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार लाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सर, मगर लोग फील्ड पर कह रहे हैं कि 15 साल से रमन सिंह यहाँ जमे हुए हैं, एक चेहरा स्थापित हो गया उनका, तो उसको हटाने के लिए, उनको हटाने के लिए एक चेहरा की ज़रूरत थी जो कांग्रेस नहीं दे पाया। फील्ड में भी लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार लड़ती दिख रही है मगर उसके पास कोई चेहरा नहीं है जो रमन सिंह को डायरेक्ट चैलेंज कर सके। रमन सिंह स्वयं एक चेहरा नहीं थे 2003 में, और उनका चेहरा आया, कुछ उभरा और अब फीका पड़ता जा रहा है। कुछ ही दिन पहले आप देखिए उनका घोषणा पत्र जारी हुआ और उन्होंने कहा कि हम नक्सलवाद की समस्या समाप्त करेंगे। लोगों ने एक पोस्ट डाला जिसमें 2003 में भी उन्होंने वही कहा था, 2008 में भी उन्होंने वही कहा था, 2013 में भी उन्होंने वही कहा था, 2018 में भी हूबहू वही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। ऐसी परिस्थिति के बाद जब बहुत सारी चीज़ें आप बोल जाते हो और कर नहीं पाते हो तो चेहरा धूमिल हो जाता है। लोग इस बात को भी ख्याल रखते हैं कि पड़ोस के ही राज्य में उत्तर प्रदेश में कौन सा चेहरा था वहाँ। 80% विधायक भाजपा के जीत के आए जबकि वहाँ कोई चेहरा नहीं था। तो ये चेहरा मार्केटिंग के लिए या चर्चा के लिए एक कौतूहल रहता है कि भाई किसी के नाम की चर्चा कर लो, थोड़ा मिर्च मसाले वाली बात हो जाती है। वरना आज की जागरूक मतदाता जो हैं वो भली भांति समझते हैं कि हमको इश्यूज़ के लिए काम करना है। और एक धूमिल चेहरे के सामने अगर एक अच्छी टीम सामने विकल्प के रूप में दिख रही है, उसमें सारे चेहरे दिख रहे हैं, कौन सा चेहरा छुपा हुआ है? मगर सर, पोस्टर जब हम लोग देखते हैं कांग्रेस के बड़े बड़े लगे हुए हैं रायपुर से लेकर यहाँ तक, तो उसमें लोकल लीडरशिप गायब है। ना आप दिखते हैं, ना ही आगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल दिखते हैं। दिखते हैं तो राहुल गांधी दिखते हैं, राजीव गांधी दिखते हैं, इंदिरा गांधी दिखती हैं, सोनिया गांधी भी नहीं है उसमें। लोगों के सोच में आप कांग्रेस के लीडरशिप को देखिएगा, किसी से भी पूछिएगा छत्तीसगढ़ में कि कौन कौन कांग्रेस के संभावित लीडर हैं या कौन कौन लीडर हैं, आपको सारे नाम मिल जाएंगे। ये पोस्टरों में तो एक आडंबर है, कहाँ कहाँ दिखेगा, एक कोने में आपको पोस्टर दिख गया, कितने लोग देखेंगे? 2000, 3000, 5000, यहाँ तो 1.5 करोड़, 2 करोड़ मतदाताओं की बात हो रही है। तो एक ये पब्लिसिटी और आडंबर एक रहता है, किंतु उसमें भी हमारा फोकस किस बात का है कि हम किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, हम एक विकल्प के लिए आपको अपना घोषणा पत्र के माध्यम से प्रस्तुति दे रहे हैं। क्या हम करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, उसके लिए आपको सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। और जिनके चेहरे आपके दिख रहे हैं वो बार बार उन चीज़ों को याद दिलाते हैं कि लोगों के घर अभी जर्सी गाय आने वाली, बच्चों को रोजगार मिल गया है, किसानों को उनकी कीमत मिल गई है। वो चेहरे बार बार बढ़े हुए बिजली बिल की याद दिलाते हैं, बदहाल शिक्षा व्यवस्था की याद दिलाते हैं, बेतरतीब और अनियंत्रित शासन तंत्र और अधिकारी राज की याद दिलाते हैं। तो ये जो चेहरा बार बार आपको दिखता है ना, लोग ऊब भी जाते हैं, देखते 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 बहुत हुआ, 15 साल हो गए, बहुत हुआ। तो अच्छा है कि वो ऐसे ही चेहरे यूज़ कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि इतनी कमियां बताई आपने और फिर बताया कि 15 साल हो गए, लोग ऊब गए हैं। 5 साल पहले भी आप लोग कह रहे थे कि 10 साल हो गए, ऊब गए हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी जीतती रही है, कांग्रेस हारती है, ऐसा क्यों है? ये अमूमन कांग्रेस का साथ ऐसी बात कही जाती है क्योंकि कांग्रेस का संगठन ज़्यादा ओपन और लचीला दिखता है और भाजपा में
डंडा ज़्यादा है, आरएसएस का डंडा है, थोड़ा सा दबाव कहीं ज़्यादा उसमें दिखता है। किंतु ये जो 10 साल वाली बात भी आप कह रहे हैं, आप देखिए क्रमशः उनके वोट शेयर के अंतर घटता चला गया। ये चेहरे के फीकेपन की बात क्या है, जहां 2% से पहले चुनाव में जीत मिली, अगले चुनाव में ये 1.5% पे आ गया और तीसरे चुनाव में 0.75% पे आ गया। सर फाइनल तो रिजल्ट होता है ना जी, जो सरकार बनाता है जी वही जीतता है, वही विजेता है। इस बार कांग्रेस की सरकार आप देखिएगा, सर कांग्रेस सरकार देखिएगा। आपने कहा जिस दिन मैं यहाँ पर रायपुर एंटर किया, अखबार पढ़ा, तो उसमें पीएल पुनिया जो है यहाँ के प्रभारी हैं कांग्रेस के और प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, उनके बीच विवादों की खबरें छपी और इसके बाद टिकट वितरण को भी लेकर तमाम नाराजगी बताई जा रही है। संगठन में उतनी जो मजबूती दिखनी चाहिए, एकरूपता दिखनी चाहिए, वो नहीं दिख रही है। कैसे जीतेंगे चुनाव आप लोग? पीएल पुनिया जी और भूपेश बघेल के संदर्भ में जो न्यूज़ आया था, मुझे दुख है ये कहते हुए कि मीडिया भी कभी कभी ऐसे खबरों को उठाती है जो बेबुनियाद रहते हैं। जिस दिन की घटना का उनने जिक्र किया, न पुनिया जी भूपेश बघेल के साथ थे, न भूपेश बघेल पुनिया जी के साथ थे, एक व्यक्ति रायपुर में था, एक व्यक्ति दिल्ली में था, फिर भी मीडिया में किसी प्रकार की। और मैं और आपको बताऊँ, झीरम घाटी की घटना के साथ मैं इस बात को गंभीरता से जोड़ के बता रहा हूँ। झीरम घाटी की घटना 2013 25 मई 2013 को घटने के बाद में एक प्रमुख अखबार ने ये न्यूज़ छापी थी कि कांग्रेस ने रूट बदल दिया इसलिए घटना हो गई। तो अखबार की खबरों में भी कभी कभी ऐसी बातें छप जाती हैं जिनका एकदम आधार नहीं होता है और उसका उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। ये आधारहीन घटना थी। कई जगह टिकट की बात होती है, क्या एक सीट के लिए दो राय नहीं होगी? कौन सा ऐसा समूह है, कौन सा ऐसा संगठन है, कौन सा ऐसा परिवार है जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में अंतर नहीं आता, भाई भाई के बीच में मत का अंतर नहीं आता? क्या हम बिखरे दिख रहे हैं? हर प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। एक उदाहरण बताइए जहाँ आपको कांग्रेस की सैबोटेज की खबर आ रही है। लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, कहीं पुनिया जी के काम में कमी दिख रही है, कहीं कांग्रेस की लीडरशिप के जो लोग हैं उनकी, कहीं भी एक उदाहरण बताइए। टिकट जब जिसको नहीं मिलता है, आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए क्या स्थिति है, वहाँ भी लोग दुखी होकर इधर उधर जा रहे हैं। आप बीएसपी में देखिए क्या स्थिति बनी, आप योगी कांग्रेस में देखिए क्या स्थिति बनी। तो कांग्रेस में भी अगर कुछ लोग टिकट चाह रहे हैं और उनको ना मिले तो कैसे ये माना जा सकता है कि मानव स्वभाव के विपरीत कभी कभी आदमी रिएक्ट नहीं कर रहा? होता है, ये स्वाभाविक होता है और उसको नियंत्रित करके काम किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो आहत हुए हों उनको छोड़ के अगर आप देखिएगा तो लीडरशिप जो कांग्रेस की है, एक उदाहरण ऐसा नहीं है कि कहीं सैबोटेज की बात आ रही हो जो पहले सुनने में आती थी, या कहीं काम में कहीं शिथिलता किसी की भी दिख रही हो। आपने झीरम घाटी की बात की भी, राज बब्बर आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा कि नक्सली क्रांतिकारी हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसे बात से सहमत कौन हो सकता है? और उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया कि वो किस संदर्भ में उन्होंने कहा, तो उस बात को लेके आप पकड़ के बैठ जाओगे तो फिर बात आगे नहीं जाती। ये झीरम घाटी के लोग हमारे शहीद वही हैं जिनको नक्सलियों ने जान से मारा। सरकार की प्रबंधन की कंप्लीट संलिप्तता के कारण दो दिन, मैं स्वयं उस कार्यक्रम का प्रभारी था, नंद कुमार पटेल जी ने मुझे ही उस कार्यक्रम का प्रभारी बनाया था परिवर्तन यात्रा का, और पहले दो दिन रमन सिंह की सरकार ने पूरा कवर देके तीसरे दिन पूरा कवर हटाया जिस कारण से वो घटना हुई। हम तो उस घटना के जो दर्द को लेके, उसके जख्म को लेके हम चलने वाले लोग हैं, उनको इस प्रकार की संज्ञा देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने दिया तो आपको से नाराजगी है? नाराजगी नहीं, असहमति निश्चित रूप से। कोई भी बोलेगा कि वो क्रांतिकारी हैं तो सहमति नहीं हो सकती है, और स्लिप हो सकता है किस संदर्भ में उन्होंने बोला देखना चाहिए, और उनका क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं देखना चाहिए, वो क्रांतिकारी कैसे कहला सकते हैं? सर आपके कुछ राजनीतिक विरोधी कह रहे हैं कि आपको आलाकमान ने पहले से ही कह दिया है कि आप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करिए, और साथ ही में क्योंकि आप इस प्रदेश के सबसे रईस अमीर विधायक हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कि आपको कहा गया है कि आप 20-25 सीटों में जो आपके क्षेत्र के हैं उसमें अपना पूरा पैसा धनबल का उपयोग करिए, और अगर जीतते हैं अच्छा रिजल्ट आता है तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। धन का जहाँ तक सवाल है, विरासत में परिवार से मुझे जो संपत्ति मिली है वो रिकॉर्ड में है, और उसका आकलन मैं नहीं करता हूँ, उसका आकलन राजस्व विभाग करता है। उनने जो राजस्व आंकड़ों के और आकलन के आधार पर कीमत होती है उसकी संपत्ति का वो ब्यौरा देते हैं। और धन बल से अगर जीत होती तो टाटा बिरला आज देश को चला रहे होते, वो देश के प्रधानमंत्री बने होते। धन का राजनीति में
ऐसा उपयोग नहीं होता है कि आप देश की राजनीति में नियंत्रण कर लो। ये और बात है कि यहाँ दिखा हुआ धन दिख रहा है और इससे कई गुना ज़्यादा नहीं दिखने वाला धन जिन लोगों के पास है वो उसका उपयोग करते हैं और पार्टी सहयोग करती है कैंडिडेट्स का। व्यक्ति को ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप इतने सारे लोगों का सहयोग करिए। बाकी तरीके से हम लोग के संपर्क हों, संगठन के साथी हैं, उन लोगों के माध्यम से ज़रूर साथ दिया जाता है, वरना पार्टी फंडिंग भी करती है और वो पारदर्शी रहता है, सब लोगों के खाते में वो राशि जाती है। सर, आप यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष हैं तो आपको लोग बड़ा देख रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। रमन सरकार की तीन बड़ी विफलताएं, मुझे गिनती में तीन आप बताइए जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। तीन तो बहुत कम हो जाती हैं, तीन बताइए। लेकिन सबसे बड़ी विफलता मैं मानता हूँ अधिकारी राज, कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई का छत्तीसगढ़ नहीं रह गया है, पंचायती राज की पूरी अवहेलना है, नगरीय निकायों की पूरी अवहेलना है, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों की पूरी अवहेलना है, और आगे आप देखिए तो मंत्रियों की भी क्या स्थिति है, आप देख लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है, और कई बार तो लगता है कि मुख्यमंत्री स्वयं लाचार से हैं, बोलते कुछ हैं होता कुछ है। तो जो छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा जिस बात ने घात लगाई है वो है अधिकारीकरण, ये पूरे तंत्र का अधिकारीकरण जो हो गया है। और डिलीवरी में आप अगर देखिएगा तो किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, 77% आबादी गाँव में रहती है, तो वहाँ किसान है, वहाँ ग्रामीण विकास है, वहाँ के स्वास्थ्य के स्तर को देखिए, वहाँ की शिक्षा को के स्तर को देखिए, जो अंतर है। आज सर्वाधिक देश में गरीबी का प्रतिशत, BPL के नीचे रहने वाले, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का, दुर्भाग्य से एक नंबर पे छत्तीसगढ़ है। रिजर्व बैंक ने जो आकलन किया था उसमें 39.93% गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सर्वाधिक प्रतिशत आबादी छत्तीसगढ़ में है। तो ये बहुत बड़ी विफलता रमन सरकार की, गांव में रहने वाले जो हमारी आबादी है, चाहे वो किसानी के क्षेत्र में देखिए, चाहे सिंचित क्षेत्र के विकास में देखिए, चाहे विद्युत व्यवस्था के संदर्भ में देखिए, चाहे आप शिक्षा के स्तर में देखिए, चाहे आप स्वास्थ्य की सेवाओं के स्तर में, मैं प्रमुख कुछ बातों को आपके सामने रख रहा हूँ, ये बहुत बड़ी उनकी विफलता है। बड़ा एक और वर्ग होता है युवा वर्ग। आप युवा वर्ग की परिस्थिति को देखिए कि युवाओं के साथ कितने अवसर उन्होंने दिए। 15 साल में छत्तीसगढ़ के मानव संसाधन को रमन सिंह और उनकी सरकार ने ऐसा विकसित किया और ऐसा तैयार किया कि आपको आउटसोर्सिंग करनी पड़ रही। 15 साल में अपना मानव संसाधन आप तैयार नहीं कर पाए कि गुरुजी के पद में आप उनको रख सकें। तो एम्प्लॉयमेंट नहीं देने की स्थिति और गुणवत्ताहीन शिक्षा, 21 बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ का आकलन 18वें स्थान पर है। आप 9वीं क्लास में बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल के, आप उनसे पूछिए तो ना गणित का उनको इतना ज्ञान दिखता है, ना अंग्रेजी का उनको ज्ञान दिखता है, ना हिंदी पढ़ के उसके शब्दों के अर्थ को बताने की उनकी स्थिति दिखती है। इससे बड़ी विफलता शिक्षा के क्षेत्र में देश में बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगी। महिलाओं के संदर्भ में अगर आप देखिए कि बड़ा वर्ग आबादी का है, 50% महिलाएं होती हैं, 66% युवा हैं, 77% ग्रामीण हैं। महिलाओं के संदर्भ के अत्याचार और उनके मौकों देने की, आप बस्तर क्षेत्र में देखिए महिलाओं को किस किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है। स्वयं सहायता समूहों की स्थिति देखिए जिनके माध्यम से उनको आगे आने की एक मौका देने की बात थी, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपये उनको देने की बात थी, आज समूहों को 15,000 भी शायद आज तक नहीं मिला होगा। और उनकी सुरक्षा को लेकर व्यवस्था अगर आप देखिए तो पहले से कहीं ज़्यादा स्थिति बदतर हुई है। और कौन से अवसर हम अपनी महिलाओं को दे सकें आगे आने के, कौन से अवसर दे सकें। पंचायती राज में एक आरक्षण हुआ है, वो आरक्षण के माध्यम से राजीव जी के समय जो आरक्षण प्रारंभ हुआ था उसमें हम उनकी भागीदारी देख सकते हैं, वरना आप देखिएगा तो महिलाओं के लिए भी ये रमन सिंह की सरकार ने 15 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका कि उल्लेख किया जा सके। आपने तीन मुद्दे बताए, बेरोजगारी का, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और अधिकारी राज, जो आपने बताया, ये तीन चार चीज़ें आपने बताई। मगर सर, लोग कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका आप लोग ठीक से निभा नहीं पाए, ये मुद्दे आपने गिनाए मगर सड़क पे आप लोग दिखे नहीं जिस तरीके से दिखना चाहिए था छत्तीसगढ़ में। दिखना यानी स्वयं उपस्थित होना और दिखाना जी। दिख हम सकते हैं, दिखाना मीडिया को रहता है। तो मीडिया ने हमको कितना दिखाया ये मीडिया से भी पूछना चाहिए। किस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में नहीं उठाया,
राशन कार्ड की कटौती सबसे पहला कदम रमन सरकार का था, जिन्होंने राखी के दिन बहनों को कहा था कि हम आपको 35 किलो की चाबी घर की दे रहे हैं, राखी के दिन भाई का सौगात। मैंने किसी भाई को हिंदुस्तान में नहीं देखा या दुनिया में नहीं देखा जिसने राखी की सौगात दी और उसको वापस ले लिया। ये रमन सिंह जी ने किया, चाउर वाले बाबा रमन सिंह ने किया। और उसके संदर्भ में पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन हुआ, थानों में जाके घेराव किया, थानों में हर थाने में कांग्रेस जन उपस्थित हुए। और ये राशन कार्ड की कटौती 45 से 50 लाख परिवार से ज़्यादा छत्तीसगढ़ में नहीं है, 4.53 व्यक्ति का एक परिवार औसतन छत्तीसगढ़ में सेंसस में माना गया है। और इस औसत परिवार को आप छत्तीसगढ़ की आबादी से भाग देके देख लीजिए कितने परिवार बनते हैं। रमन सिंह जी की घोषणा थी कि हम 90% परिवारों को चावल देंगे, राशन देंगे 90%। वो 90% 45 से 50 लाख भी नहीं होता है, और उनके 72 लाख राशन कार्ड सर्कुलेशन में थे। तो सही लोगों के राशन कार्डों को काटने की जो प्रक्रिया चालू की उसका विरोध कांग्रेस ने किया, और परिणाम यह आया कि कम से कम वो कटौती रुकी। किसानों के संदर्भ में रमन सिंह की सरकार, जिन्होंने कहा था कि हम 2100 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य और 300 रुपया बोनस हम अलग से देंगे, 2400 रुपया का भाव देंगे, आज चुनाव के पहले भी वो 2050 तक पहुंच पाए, इसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। एक एक दाना धान खरीदने की बात कही थी उसका विरोध किया। और जहां रमन सिंह ने 10 क्विंटल की घोषणा की थी, पद यात्रा चल रही थी कांग्रेस पार्टी की, उस समय एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था नसबंदी प्रकरण को लेके, और 10 क्विंटल पद यात्रा के दरमियान जब दबाव बना तो 12 क्विंटल, जब और दबाव बना तब 15 क्विंटल तक रमन सिंह की सरकार ने धान की खरीदी की सीमा को पहुँचाया। उसी दरमियान नसबंदी प्रकरण में 13-17 हमारी बेटी बहुओं की मृत्यु हो गई थी गलत उपचार और गलत दवाइयों के उपयोग से। बिलासपुर से लेके रायपुर तक की एक पूरी पदयात्रा निकली थी, उसमें उस मुद्दे को लेके कांग्रेस पार्टी ने पूरा विरोध किया था। छत्तीसगढ़ के 36,000 करोड़ के नान घोटाले को, जिसमें कागजात सामने आए थे जिसमें कई लोगों के नामों का उल्लेख था जिनकी की जांच होनी चाहिए थी, राष्ट्रीय स्तर तक नान घोटाले को कांग्रेस पार्टी ने उठाया, उजागर किया, उसमें आंदोलन किया। मैं अभी सिर्फ सड़क की बात कर रहा हूँ, विधानसभा भी हम लोग नहीं, विधानसभा की बात की, नान घोटाले की बात की आपने। ऐसा कहा जाता है नान घोटाले वक्त जब CM की वाइफ का नाम विधानसभा में लिया गया तो CM भावुक हो गए और आप खड़े हुए आपने माफ़ी मांग ली। और इसके सुना नहीं, अगर आप उस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो उसमें आपने शायद गलत सुना है, या लोग जैसा प्रचार में गलत प्रचार अपने मन मुताबिक करना चाहते हैं। सही बता दीजिए, तो सही यही है कि मैंने कहा कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो इसका हमें दुख है, किंतु जो बात है उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। तो अगर कोई भावुक हो रहा है तो हम क्या जाके उसको और गाली देंगे? जो बात है उनको, उनकी वाइफ उस समय बड़ी संवेदनशील स्थिति में थी, जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रही थी, अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था, और ऐसी स्थिति में जब वो हाउस में भावुक होकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने इतना ही कहा था कि आपकी भावनाओं को अगर किसी बात का ठेस पहुंचे तो हम लोगों को इस बात का दुख है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आपको बयानों का कांग्रेस को नुकसान होता है, आप अक्सर रमन सिंह को बड़ा भाई कह देते हैं, अभी ये नान घोटाले में माफ़ी वाली बात है, आप फिर माफ़ी कह रहे हैं। तो ऐसे ही गलत प्रचार होता है, जब इतना जिम्मेदार मीडिया का प्रतिनिधि भी मेरे बात को कहने के बाद भी, जो ऑन रिकॉर्ड है, मैं कह रहा हूं आप मेरी बात प्रकाशित करने के पहले आप प्लीज़ उस रिकॉर्डिंग को भी सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड रहती हैं जो भी बातें हैं, तो कम से कम इस बात को अपने इन शब्दों को प्लीज़ सुधार लीजिएगा कि मैंने जिन शब्दों का उल्लेख किया, प्लीज़ एक जिम्मेदार मीडिया के प्रतिनिधि आपको वैसा कहना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी राजनीति, और मैं राजनीति से परहेज करने वाला व्यक्ति रहा, आज भी बहुत मायनों में मुझे परहेज है आज की राजनीति से, फिर भी मैं राजनीति में सरगुजा जिले से ही मैंने राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया, आज 40 साल से ऊपर हो गए, मेरे भाषा की शैली यही रही, मेरे काम करने का तरीका यही रहा, मैंने कोई नया आडंबर ओढ़ के आज मुझे आप नहीं देख रहे हैं। और उस रूप में अगर लोग स्वीकार करते हैं, एक दिन के लिए नहीं, दो दिन के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए नहीं, अगर 4 दशक निकल गए और मेरे व्यवहार को, मेरे बात करने को, कई बार लोग कहते हैं कि बाबा आप जाओ जशपुर जाके सीख के आओ वहाँ के राजा लोग कैसा व्यवहार करते हैं। पहला चुनाव जब मैं 980 वोट से जीत पाया था तो मेरे निकटतम सहयोगी ने कहा क्या आप राजनीति करते हो, वहाँ जाओ ट्रेनिंग लेके आओ।
लेकिन जो भी मेरा तरीका है मैंने इसी पे विश्वास किया। कुछ तो ट्रेनिंग ली ही, तभी अगले चुनाव में 19,000 वोट से जीते आप। ट्रेनिंग वही हुई कि मैं और लोगों के पास गया। मेरे को लगता था कि मेरे मन में कहीं दुराव या कोई दूरी नहीं है, और जहाँ पहले चुनाव में मेरे पास मोबाइल डायरी में जहाँ लोगों के नाम लिखे रहते हैं, डायरेक्टरेट जो हमारा डायरी मोबाइल का जो वो रिकॉर्ड रहता है, जहाँ 2000 नाम थे, आज 25,000 से ज़्यादा नाम है। तो मुझे ये लगा कि लोगों में अगर ये प्रचार दुष्प्रचार करके लोग सफल हो गए कि नहीं ये तो राजा हैं तो इनके यहाँ कैसे जाओगे, आदमी ठीक हो सकता है, तो मुझे भी आगे आके कुछ और दर्शाना चाहिए, दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि लोगों में वो भी विश्वास हो कि ये जो दूरी बनाने की बात लोग कर रहे हैं, कम से कम ये दूरी के लिए मैं भी कुछ पहल करूं। और मुझे लगता है कि मैंने किसी को गाली देना चालू नहीं किया, मैं किसी को डांट के या जोर से बोल के या दबाव बना के मैंने काम नहीं किया। मेरी शैली वही रही, केवल मैंने अपने आप को और खुलने का प्रयास किया कि अगर लोगों को दिख रहा है कि नहीं ये कहीं हमसे दूर तो नहीं है, कहीं कोई दूरी तो नहीं है, तो और सामने आके वैसे ही स्वभाव, कोई दूसरा स्वभाव सामने नहीं आया, वैसे ही स्वभाव को और मैंने लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और जहाँ तक वो स्वीकार कर रहे हैं, मेरे को काम करने का जनप्रतिनिधि के रूप में मौका मिल रहा है। अगर लोग चाहेंगे कि नहीं हमें लड़ने वाला विधायक चाहिए, हमको गाली देने वाला, तो फिर मेरी जगह उस राजनीति में नहीं रहेगी। सर, कांग्रेस की जो घोषणा पत्र अभी बना है उसकी कमेटी के चेयरमैन भी आप थे, आपने वादा किया है कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा, आपने वादा किया है कि सभी लोगों को 35 किलो चावल 1 रुपए की दर पे मिलेगा, और बेरोजगारों के लिए वादा किया है कि उनको मंथली सैलरी कुछ दी जाएगी अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है। कैसे होगा सर ये सब, कहाँ से फंड आएगा? मौका तो दीजिए, बताएंगे। 15 साल तक जिनको आपने मौका दिया उन्होंने काम कैसे किया? मोदी सरकार ने जिस कोयले की नीलामी के बारे में बहुत बड़ा आडंबर किया था कि हमने देश के लिए 2,00,000 करोड़ का ठेका कर दिया, देखो इतना रिसोर्सेज हमने मोबिलाइज कर दिया, आज वो 2,00,000 कोयले की नीलामी के पीछे जिन लोगों ने वो कोल के ब्लॉक खरीदे थे, आज 7 से 8 लाख करोड़ के NPA में है वो कंपनियाँ, 7 से 8 लाख करोड़ के NPA में। बिजली के दर घट गए हैं, कोयला उन्होंने इतना महंगा खरीद लिया कि वो पूरी पॉलिसी फ्लॉप हो गई। उस पॉलिसी का एक हिस्सा था कि जिन लोगों ने सफलतापूर्वक बोली बोली और जिनको कोयले खदान मिल सकते थे, टेंडर होने के बाद केंद्र सरकार के सर्कुलर के होते हुए कि जिनको कोल ब्लॉक मिला है वो स्टैम्प ड्यूटी देने की उनकी लायबिलिटी बनती है, उनको उनसे स्टैम्प ड्यूटी ली जाएगी जब अनुबंध होगा राज्य सरकार से कोल ब्लॉक के हस्तांतरण का। तो रमन सिंह जी की सरकार ने 4 कोल ब्लॉक्स के स्टैम्प ड्यूटी को वेव करके छत्तीसगढ़ को अकेले उसमें 3.5 से 4.5 हज़ार करोड़ का नुकसान पहुँचाया, आप रिकॉर्ड में देख लीजिए। ये कलेक्टरों ने लिख के दिया था कि ये स्टैम्प ड्यूटी बनती है, उसको नीलामी के बाद रमन सिंह की सरकार ने रिलैक्सेशन दे के अध्यादेश जारी करके और उसमें रिलैक्सेशन लाया। इनने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इन्होंने जो छूट देने की या सहूलियतों को देने की बात की थी, बैकडेट में जाके इन्होंने उन उद्योगों के ऊपर वो शर्तों को वापस लेके ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया कि वो उद्योग जो करीब 1,000-1,200 करोड़ का निवेश लेके आए थे और जिनको अगले चरण में 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ का निवेश छत्तीसगढ़ में करना था, आज वो अंगुल में जाके उन्होंने फैक्ट्रियां खोल दी हैं। आप क्या करेंगे, ये तो उनकी कमियां होंगी। हम लोग को मौका तो दीजिए, आइए ना, एक थोड़ा रोड मैप दीजिए लोगों को, लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, रेवेन्यू रियलाइजेशन की बात है तो स्रोत होते हैं रेवेन्यू रियलाइजेशन के, आप तो पहले ही किताब खुलवा देंगे तो फिर रमन सिंह वही चीज़ बोलने लगेंगे। जैसे हम लोग का घोषणा पत्र आया तो उनको कुछ चीज़ यादें आई, 15 साल जो चीज़ यादें नहीं आई, आज उन चीज़ों को उन्होंने उन घोषणा पत्र में भी उल्लेख करने की नकल की। खैर, जो उनकी इच्छा या जो उनकी सोच है वो वैसा करें, किंतु इसके लिए हम लोग को समय दीजिए। आपने देखा होगा या दर्शकों ने देखा होगा कि जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ था तो राहुल जी का सबसे पहला सवाल यही था, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ने मैनिफेस्टो के संबंध में पब्लिकली इस सवाल को पूछा कि आप ये सामने चीज़ें तो ला रहे हो, इसके लिए आपने होमवर्क किया है क्या, इसके रेवेन्यू रियलाइजेशन आप कैसे करोगे? तो हमको मौका तो दीजिए, और उनको हमने एक्सप्लेन भी किया है कि कैसे कैसे रेवेन्यू रियलाइजेशन आ सकता है। 20 से 25 हज़ार करोड़ के रेवेन्यू रियलाइजेशन की बात है, तो रमन सिंह हैं वो मुख्यमंत्री जिन्होंने छत्तीसगढ़ को हमेशा एक चीज़ कही कि पैसों की कोई कमी नहीं, जबकि गलत कहा,
उनने बहुत मिसमैनेज किया है 15 साल में, यहाँ तक कि सीएजी की लगातार 4 सालों की रिपोर्ट है कि आपने तो जो बजट बनाया है उसको खर्चा तक नहीं किया, सप्लीमेंट्री बजट की गुंजाइश ही नहीं थी। तो उन्होंने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को गलत तरीके से चलाया, और दुर्भाग्य से ये बात मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से सामने नहीं आ पाई, हम लोग भी बोल के लोगों तक इस बात को समझाने की स्थिति में नहीं आ पाए कि इन्होंने बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से छत्तीसगढ़ के फाइनेंसेस को चलाया, ये बात दुर्भाग्य से सामने नहीं आई। ये आंकड़ों की बात कई लोग समझ नहीं पाते कि क्या कहा जा रहा है। सीएजी कह रही है कि 13-14 में 10,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाया, अगले साल 13,000 करोड़ खर्च नहीं कर, अगले साल 19,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाए। आप मानते हैं सब चीज़ें लोगों के सामने नहीं आ पाई, तो कहीं ना कहीं आपकी विपक्ष की कमी तो है, लेकिन हमारी एक क्षमता नहीं है कि हम उसको उन तक समझा पाए। हमारी इसमें कोई दो बात नहीं कि लोगों तक ये रजिस्टर्ड नहीं करता, आप कई मुद्दों को बोलो तो वो लोगों के सोच के आधार पे उनको नहीं समझ में आता है कि ये बात क्या है, इसमें बात क्या है, और इसको मैं कैसे समझाऊँ आप ही बताओ मेरे को। कि रमन सिंह की सरकार ने लगातार 4 साल 10, 13, 19, 20 हज़ार करोड़ रुपए खर्च नहीं किए, ये लोगों तक बात नहीं पहुंच पाती कि ये कितनी गंभीर बात है। कि सीएजी की टिप्पणी है कि आपके जो बजट बने हैं बहुत गलत तरीके से बने हैं, और जितना पहला बजट आपने बनाया, मान लीजिए पहला बजट आपने बनाया 60,000 करोड़ का, सप्लीमेंट्री आपने बना दी 6,000 करोड़ की, 66,000 करोड़, तो आप तो 60,000 करोड़ का 56,000 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाए। सप्लीमेंट्री बजट मिला के 66,000 करोड़ का जो आपने बजट छत्तीसगढ़ के सामने प्रस्तुत किया, ये रमन सिंह जी को श्वेत पत्र जारी नहीं करना चाहिए। मैंने मांग की है ऑन रिकॉर्ड, मैंने मांग की है कि श्वेत पत्र जारी किया जाए। कितने मीडिया के लोगों ने उसको उठाया, कितने लोगों ने उसको आगे जिम्मेदार तरीके से उस बात को समझते हुए उठाने की कोशिश की। तो आज के समय में जब तक सपोर्ट नहीं मिलता है कि सामने वाला कुछ कह रहा है, इसमें कुछ बात है, तो लोगों तक वो रजिस्टर्ड नहीं होता। टीएस बाबा बोल रहे हैं लेकिन एक भी व्यक्ति मीडिया में नहीं बोल रहा, एक भी और आदमी कोई उस चीज़ को समझ के नहीं बोल रहा, तो उसका जो प्रभाव है वो वहाँ तक नहीं जा पा। एक चीज़ को बोलते जाइए, आप मीडिया में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक बार दर्शाइएगा, दो बार दर्शाइएगा, फिर न्यूज़ हट जाएगा, क्या प्रभाव रहेगा? और एक ही बात को आप 20 बार बताइएगा, 30 बार बताइएगा, उसका प्रभाव लोगों के सोच में, जहन में, उनके मस्तिष्क में अलग तरीके से बैठ जाता है। तो ये कारण होते हैं कि गंभीर मुद्दे हैं, उनको अगर हम सही मायने में प्रस्तुत, मैं अपनी कमी को कम करने की बात नहीं कर रहा, निश्चित रूप से अगर इतनी गंभीर बात मैं इसको मानता हूं और मैं छत्तीसगढ़ के लोगों तक नहीं पहुँच पा पाया, निश्चित रूप से मेरी कमी है, लेकिन अकेले मैं ये कर सकता हूँ क्या? इतनी गंभीर बात किसी ने भी, एक मीडिया ने आज तक उठाई है क्या? मैं ये 20 बार बोल चुका हूँ, इंक्लूडिंग इन द हाउस, ऑन रिकॉर्ड आप देखिएगा, मैंने सवाल किए हैं कि भाई ये बात सीएजी के रिपोर्ट में आई है, एक शब्द फाइनेंस मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री का भी भार संभाले हुए हैं, जिम्मेदारी संभाले हुए थे, एक शब्द उन्होंने उसके बारे में बोला हो तो, एक शब्द, और सीएजी की रिटन रिपोर्ट है, ऑन रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है, आप ऑनलाइन जाके उसको देख सकते हैं। तो ये थे टीएस सिंहदेव जी, इन्होंने बताया कि रमन सरकार की क्या कमियां हैं और कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो ये क्या करने वाले हैं। ऐसे ही और तमाम शख्सियतों के साथ हम आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। मैं हूं सौरभ और आप देखते रहिए thelallantop.com। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।